Görme abi. सुन जी हाँ जी एक हिट फिल्म की जैसे आप कर रहे हो आप तो ऐसा नहीं जिम्मेदारी बढ़ बढ़ गई होगी उनके कुछ बढ़ गया होगा आपको जिम्मेदारी दे रही विक्रम जी ने कि आप डायरेक्शन करेंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ गई थी क्या जिम्मेदारी तो बहुत थी जैसे आपने सही फरमाया कि विक्रम भट्ट साहब की फिल्म थी 1920 और मतलब बच्चा उनका था और फिर अगर उन्होंने ये बच्चा मेरे हाथ में सौंप दिया कि भैया अब इसको पाल पोस के बड़ा तुझे करना है पार्ट टू जो मुझे दे दी उन्होंने तो क्या है खुद का बच्चा तो आदमी बड़ा कर लेता है लेकिन अगर दोस्त का बच्चा छोटे भाई का बच्चा अगर बड़ा करना हो तो प्रेशर तो ज़्यादा ही होता है और ये मेरी पहली फिल्म थी तो ज़ाहिर है प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था नहीं जी ये सीक्वल नहीं है ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये बात कि ये कहानी एकदम अलग है ये फ्रेंचाइज है फ्रेंचाइज में ज़्यादातर ये होता है कि मतलब फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि आपको ये सेम सेंसेशन महसूस करेंगे आप तो अगर आप 1920 याद करें तो हॉरर फिल्म को आप दिमाग में लाएंगे आपके दिमाग में हॉरर फिल्म आ जाएगी तो ये भी हॉरर फिल्म है और कहानी एकदम अलग है एक्टर्स अलग हैं कैरेक्टर्स अलग हैं डायरेक्टर अलग हैं लोकेशंस अलग हैं सब कुछ अलग है सिर्फ हॉरर जो सेंसेशन है इसमें मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि पिछले 1920 से दुगना है लेकिन एक कॉमन है एक महिला की आवाज़ में पुरुष की आवाज़ भी है जी वही तो है वही फ्रेंचाइज इसलिए अगर आप देखें हमारा जो टैगलाइन है फिल्म का वो है पोजेशन इज बैक तो क्या है अलग अलग किस्म की हॉरर फिल्म होती हैं तो इसमें हमें ये हमारे दर्शकों को ये एहसास दिलाना था कि भाई आप लोग जब देखने आएंगे जैसे आप 1920 देखने आए थे उसमें जो जैसे आदा शर्मा पजेस हुई थी जिनके अंदर भूत प्रेत आत्मा घुस गई थी तो ये सिमिलर सेंसेशन है सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है जिसमें आपको ऐसा ही एक आपको जो फीलिंग आएगी आपको जो सेंसेशन आएगा वो मिलेगा वो सेम होगा लेकिन कहानी बेशक अलग है तो That's why its possession is back. You get the same kind of a feeling that you. So, आपको ऐसा लगेगा कि आप 1920 याद आ जाएगी आपको तो franchise आपको अगर 1920 पसंद आई है तो आपको similar जैसे आप अगर किसी भी होटल में जाते हैं साउथ इंडियन जो बड़ी तो शिव सागर हो तो आप इडली खाने जाते हैं तो अगर आप इडली वापस शिव सागर जाएंगे तो वो इडली आपको खाने मिलेगी इस बार बेटर आएगा थोड़ी एक चटनी एक्स्ट्रा मिलेगी शायद टेस्ट भी बेशक बढ़ जाएगा ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ नहीं हमेशा से यही थे जैसे जब स्टोरी हम लोग लिख रहे थे विक्रम भट्ट और अमीन हाजी ने स्टोरी लिखी थी जब हम लोग स्टोरी सेटिंग में बैठे थे तो पहले हमने कहानी बनाई थी हमने पहले स्टारकास्ट की बात नहीं की थी पहले कहानी बनी और उसके बाद फिर हमने जब स्टारकास्ट के बारे में सोचना का वक्त आया तो विक्रम ने सजेस्ट किया आफ्ताब का नाम क्योंकि विक्रम ने काफ़ी फिल्में की है आफ्ताब के साथ 8 या 9 फिल्में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो उसने मुझे कहा कि भाई ये आफ्ताब है और अच्छा एक्टर है इस वक्त उसका भी करियर थोड़ा सा इधर उधर नरम गरम है तो उसको भी इतनी ज़रूरत है फिल्म की जितनी और ही विल ऑल्सो बी एबल टू गिव टू अस दैट काइंड ऑफ एनर्जी उसको भी उसकी भी नीड है कि एक अच्छी फिल्म बनाए वो तो शैली ट्राई करें उसको तो मैंने कहा कि बेशक क्योंकि आफ्ताब मैं जानता हूँ मैंने मिला तो नहीं था उससे मैं पहले इससे लेकिन मैं जानता था वो बहुत ही उम्दा एक्टर है तो एक नए डायरेक्टर के लिए अगर एक एक्सपीरियंस्ड बहुत अच्छा एक्टर मिले जो अपना फुल फोर्स देना चाहता है पिक्चर के लिए उसके पास उस वक्त फिल्म भी नहीं थी तो मतलब डेट्स भी उसकी हमारे पास थी तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग द फिल्म विद मी सो आफ्ताब और टिया भी विक्रम के साथ उसका एक 3 फिल्म डील था विक्रम भट्ट की कंपनी के साथ जिसमें उसने हॉन्टेड की थी हॉन्टेड में मैंने उसके साथ काम किया था क्योंकि मैं हॉन्टेड में जो था मैं कैमरा मैन था ऑपरेटिव कैमरा मैन मैंने कैमरा ऑपरेट किया था तो टिया को मैं उसकी वजह से पहले से जानता था तो टिया भी बहुत अच्छी एक्टर हॉन्टेड में इतना अच्छा काम किया उसने तो आफ्ताब और टिया का नाम ऐसे ही सजेस्ट किया गया था ऐसे ही हमने सोचा और विद्या या विद्या के साथ ही विक्रम ने काम किया था तो वी नीडेड कहानी एक किरदार था जिसमें वो बहन का एक किरदार है आफ्ताब की बहन का तो उसके बारे में काफ़ी सोचा था कि कौन होनी चाहिए बहन
एंड समवेयर आई हैड लाइक विद्या चकदे में जो विद्या ने काम किया था, तो मुझे और मैंने सजेस्ट किया विद्या का नाम, वो विक्रम ने भी काम किया था उस एक फिल्म में विद्या के साथ, तो विद्या को नरेट किया हमने, बोथ ऑफ अस थॉट इट वाज गुड। अमीन भी दोस्त है विद्या का, तो अमीन हाजी ने जाके नरेट की विद्या को स्टोरी और उसको पसंद आ गई, एंड हाउ दैट्स हाउ शी आल्सो केम ऑन बोर्ड। एक सवाल हमेशा पूछते हैं जब भी ये हॉरर फिल्म की बात हो कि सेट पे कैसे हुआ था, जब भूत वाकई आपने कुछ रियलाइज किया होता है, हाँ कुछ हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता साहब कि हॉरर फिल्म, क्योंकि ये सवाल मुझे हर कोई पूछ रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई और डायरेक्टर, अगर सपोज़ अगर कोई भी फिल्म या सपोज में कोई रोमांटिक फिल्म बनाता है, तो डायरेक्टर को ऐसा पूछा जाता है कि भैया आपके सेट पे कोई लव स्टोरी हुई थी, तो ये जो सवाल है ये पूछा गया है तो ऑब्वियसली एक बहुत ही लाजमी सवाल होगा, हर एक जर्नलिस्ट मुझे ये सवाल पूछ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहानी जब सॉरी शूटिंग करते वक्त ऐसा कुछ डरावना किस्सा या डरावना हादसा या कोई हमारे पे चिल्लाया हो या चीखा हो या किसी की चीख सुनाई दी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी किया हमने करवाया किया दिया के पास, और आप लोग को डराने के लिए किया, बस हम तो नहीं डरे थे। ये सब पहली बार हम भी सुन रहे हैं, जब भी सवाल करते हैं हाँ हमारे साथ में हादसा हुआ था, हमारे साथ में ये हुआ सर क्या है, हुआ होगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ। ये नहीं है कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, भूतों में बेशक विश्वास करता हूँ मैं, क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, और भगवान अगर है तो फिर भूत भी है, अगर इफ देयर इज गुड देयर इज बैड, इफ देयर इज गॉड देन देयर इज सैटन। तो लेकिन मैंने अभी तक भूत प्रेत का मतलब मेरा सामना हुआ नहीं है, तो और ना ही हमारे फिल्म यूनिट में कुछ ऐसा कुछ हुआ था अनफॉर्चुनेटली। हॉरर फिल्म की बात करें तो पहले भी फिल्म बनती थी, आजकल से साउंड इफेक्ट काफी कुछ हो गया, बस उससे डरा रहे लोगों को या कुछ और कुछ इजाफा कर रहे हैं। सिर्फ साउंड क्यों, इवन विजुअल इफेक्ट ज्यादा बढ़ गए हैं। साउंड तो खैर ऑलवेज था, इनफैक्ट VFX जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। आजकल हम लोग काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो पहले 10 साल पहले भी अगर आप देखें तो नहीं कर सकते थे। प्रोस्थेटिक्स मेकअप भी इतना अच्छा हो चुका है, हो गया है आजकल, मतलब सब आ गया है इंडिया में, तो उससे काफ़ी बेटर हॉरर फिल्म बन रही है। बिकॉज हॉरर फिल्म में स्पेशली इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, मेकअप की, इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि भूत को अगर उड़ाना है इधर से उधर तो केबल बांध के उड़ाना पड़ता है, फिर वो केबल को अगर इरेज या निकालना पड़े, मिटाना पड़े, तो वो उसके लिए VFX की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर भूत का फेस हमें दिखाना है, भूत का चेहरा अगर हमें डरावना दिखाना है, तो उसके लिए भी हमें VFX की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जब अगर VFX अच्छा हो गया है, टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ गई है, भारत में, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से और अच्छी हॉरर फिल्में बन रही हैं। इसके बावजूद भी आज जिन लोग हॉलीवुड की हॉरर फिल्में कहते हैं कि वहाँ या क्या बनी है, बॉलीवुड की फिल्में अभी भी कहीं ना कहीं। सर ये तो अभी क्या है, हम लोग हॉलीवुड तो हमेशा से ही हमारे आगे ही चला है, और हम हॉलीवुड के पीछे पीछे ही जा रहे हैं, तो ये हॉलीवुड से कंपेरिजन इज़ नॉट फेयर आई थिंक, बिकॉज हॉलीवुड में एक्चुअली जो हॉरर फिल्म बन रही है उनकी कहानियाँ भी काफ़ी अलग होती है, हमारे वहाँ वैसी कहानियाँ और हॉरर की हो कोई भी फिल्म देखें आप तो उनके सब्जेक्ट्स और उनकी जो जो कहानी होती है वो हमेशा अलग होती है, और हॉलीवुड हमेशा से हमारे आगे रहा है, तो ये हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम कितना आगे आए हैं, जहाँ थे हम 10-15 साल पहले वहाँ से हम इस वक्त कितने आगे आए हैं वो देखें, कंपेरिजन ना करें और हमारे खुद के साथ कंपेरिजन करें तो बेटर होगा। दिवाली आ रही है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन अगर आपको बीच में दिवाली के एक दिन पहले वो काली चौदस भी आती है तो काली चौदस में लोग अक्सर डरा करते हैं, और वो माना ही जाता है दिन ये ब्लैक मैजिक का या काले जादू का या तो, और इनफैक्ट कल हेलोवीन भी था, तो आई थिंक मेरी फिल्म करेक्ट टाइम पर आई है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बड़ा अजीब था आवाज़, लेकिन पिक्चर यहाँ साउंड यहाँ। थैंक यू, दैट दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, माय प्लेजर, माय थैंक यू। आपको फिल्म की अच्छी अगर ऐसा हो जाए सर तो पार्टी है।